पवनावा सुगनवा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं चंदन और फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम फिर बात करने वाले हैं प्रियंका दीवानी, जाने मन एक सिंगर गायकर झारखंड के। मोरे बगिया के सुन सुगना। आपको मिलाते हैं राजेश दीवाना और प्रियंका दीवानी से, आप लोग एक कलाकार। तो दोस्तों, प्रियंका दीवानी का एक्सीडेंट कैसे हुआ, प्रियंका दीवानी का एम्बुलेंस कैसे आग लगा, प्रियंका दीवानी किस तरह से मौत हुआ, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि प्रियंका दीवानी इस दुनिया में नहीं रहा। आप सब लोगों को पता है कि दोस्तों, फिर प्रियंका दीवानी की मौत कैसे हुआ और किसके वजह से हुआ और कहाँ हुआ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि प्रियंका के बारे में। तो प्रियंका दीवानी एक गायकी थी और प्रियंका दीवानी इस दुनिया में छोड़ के चले गए। दोस्तों, इन प्रियंका दीवानी का जो गाना अभी भी चल रहे, जब उनका एक्सीडेंट हुआ और डेथ हुआ, जब मर गई, उसके बाद मृत्यु हुई, उसके बाद उनका 4 मिलियन सॉन्ग का बढ़ गया, जो ले बुंदिया झप झप। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि प्रियंका दीवानी के मौत का क्या कारण है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रियंका दीवानी। आप सब लोगों को पता है कि प्रियंका दीवानी दुमका जिला के रहने वाली है। प्रियंका दीवानी शूटिंग के दौरान में गई और वहां पर एक्सीडेंट हो गई 2-व्हीलर से। तो दोस्तों, अचानक गिर गई और इसके सिर पे चोट लग गया। वहां से दोस्तों दुमका हॉस्पिटल आया। अब दुमका हॉस्पिटल में इनको एडमिट किया। जब दुमका हॉस्पिटल में एडमिट किया तो दोस्तों उनको कुछ दिन रखा, उसके बाद उनको रेफर कर दिया। दोस्तों, वो भी रेफर कर दिया है कोलकाता में। आप सब लोगों को पता है कि दोस्तों कोलकाता रेफर कर दिया, जहां कुछ ही दूर तक जाते जाते एम्बुलेंस में आग लग गया। अब दोस्तों, अचानक आग लग गया और उस गाड़ी में भी राजेश भैया और राजेश दीवाना भी थे। तो दोस्तों, अब आग लगने के कारण क्या वजह था, इसका दोषी कौन है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों, एम्बुलेंस में कैसे आग लगा, क्यों लगा, इसके जिम्मेदारी कौन थे, क्यों प्रियंका दीवानी एक छोटी कलाकार थी, क्या प्रियंका दीवानी झारखंड के एक छोटी कलाकार थी जिनका गाना 42 मिलियन ले बुंदिया झप झप चल रही है, क्या इसके बारे में, एम्बुलेंस के बारे में आज तक कुछ टिप्पणी नहीं हुआ, ऐसा क्यों। दोस्तों, क्या प्रियंका गरीब घर से थी, क्या प्रियंका एक छोटा कलाकार के नाते से इनका कोई इंक्वायरी नहीं हुआ, तो इनका कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, जब एम्बुलेंस में आग लग गया, प्रियंका एक्सपायर हो गई, प्रियंका डेड हो गई। दोस्तों, इस एम्बुलेंस में अगर आग नहीं लगता तो शायद प्रियंका बच सकती थी, क्या कमेंट जरूर करें। क्या प्रियंका का दोषी कौन है, क्या प्रियंका एक छोटा कलाकार थे जिसके कारण से आग लग गया और प्रियंका इस दुनिया छोड़ के चले गई, क्या दोस्तों इस दुनिया छोड़ने का क्या कारण था, क्या प्रियंका को ज़्यादा जुखाम हुआ था, क्या प्रियंका इस दुनिया में रहने वाली नहीं थी, क्या प्रियंका को बड़ा दुर्घटना हुआ था, नहीं, पर एक सिर में लगने के कारण प्रियंका इस दुनिया को छोड़ के चला गया, जो आज इनका भी वीडियो बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, ले बुंदिया झप झप। फिर गाना आप लोग सुने होंगे, उसके बाद टुपु टुप जो गाना है इसी का है, प्रियंका दीवानी का और राजेश दीवाना का। दोस्तों, जिस तरह से राजेश दीवाना फूट फूट के रो रहा है कि मुझे मदद करो, प्रियंका दीवानी को बचाना है, पर उस जगह कोई मदद करने आएंगे तभी तो, लोग देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, एम्बुलेंस में आग लग गया फिर भी देख रहे हैं, पर क्या करेंगे लोग, क्या करेंगे, पब्लिक जा रहे हैं। जब कोई सिंगर, अगर कोई भी एक्टर, कोई भी अगर रोड में एम्बुलेंस में आग लगते हैं तो लोग देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, पर
उसमें से एक दो चार जो होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं ना, था कोई नहीं करता दोस्तों। एम्बुलेंस में आग लग गया, वही एम्बुलेंस का दोषी कौन है, एम्बुलेंस में आग क्यों लग गया, कैसे लग गया, इसका इंक्वायरी कौन नहीं है दोस्तों। इसका इंक्वायरी हमारे झारखंड के एक छोटे मोटे कलाकार प्रियंका दीवानी, जो हर भारत में अच्छा गाना, अच्छा गायकी थी और अच्छा गाना इनका ट्रेनिंग में था। और मोरे बगिया के सोना, अलविदा कर दिया दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि एम्बुलेंस का दोषी कौन है, हमारा झारखंड का एम्बुलेंस का दोषी कौन है, दुमका जिला का रहने वाली बेटिया इस दुनिया को छोड़ के चले गए गायिका, तो उसका दोषी कौन है। कुछ न कुछ हम प्रियंका दीवानी का कुछ टॉपिक लेके आते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।